शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय। हेलो जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? माता रानी के पास है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज मेरा 16 सोमवार का फास्ट है तो मैंने पूजा आरती कर ली है और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें मैंने पूरी पूजा पाठ विधि बताई हुई है। और ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है, स्कूल बस आ गई है तो ओम स्कूल बस दिखा रहा था और बोल रहा था कि बाहर चलो मम्मा बाहर चलो, बाहर बैडमिंटन खेलेंगे, बैडमिंटन नहीं सॉरी बैट बॉल खेलेंगे। तो बस ये मुझे बार बार जिद कर रहा है कि अंदर नहीं खेलना है, बाहर चलो बाहर चलो। तो अब मैं इसके साथ थोड़ा सा बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ क्योंकि ये मानने वाला तो है नहीं, तो अब मैं इसके साथ थोड़ा बाहर जा रही हूँ, थोड़ा सा बैट बॉल खेलूँगी और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ अंदर और थोड़ा मैं कुछ कुछ काम करने लगती हूँ। और अभी फिर आज मुझे मेहंदी डालनी थी बट मेहंदी नहीं डाली क्योंकि मेरा फास्ट था। तो फिर मैं अब बज गए हैं 3, तो 3 बजे मैंने बनाए हैं पुए, गुड़ के पुए या गुड़ की पूड़ी भी बोलते हैं कई लोग, तो मैंने गुड़ के पुए बनाए हैं क्योंकि मैं ये 6 बनाती हूँ जो मतलब दो दो करके 3 हिस्से में रखती हूँ। तो बस ये मेरे फ्रेंड्स गुड़ के पुए बना रहे हैं जो नॉर्मली बनाते हैं ना, आटा आटा और गुड़ को पहले पानी में फुला लेते हैं, फिर जब अच्छे से उसको मिसल के उसको छान के और थोड़ा सा मौन लगा के हम उसकी पूड़ियाँ बना लेते हैं और फिर उसको सेक लेते हैं। और इसमें नमक नहीं डालते क्योंकि इसमें मैं फास्ट में नमक नहीं खाती हूँ, तो ऐसे मैं ये पूड़ियाँ बना लेती हूँ। पुए भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, गुड़ के पुए बोलते हैं इनको। तो ये मैं गुड़ के पुए बना लेती हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी टेस्टी बने हुए थे। तो फिर और देखिए ना कितने प्यारे फूले फूले, बहुत अच्छे थे और खुश खुश से भी काफ़ी बने हुए थे। और मैंने बल्कि नॉर्मल ही बनाए थे, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्पेशली बहुत उससे बनाए हूँ, नॉर्मल ही बनाए थे। बट किसी किसी बार के बहुत टेस्टी बन जाते हैं तो इस बार के बहुत टेस्टी बने थे। तो फ्रेंड्स आज मेरे ना 16 सोमवार के 16 हो चुके हैं, अब मुझको करवाना है उद्यापन। तो अब देखो मैं इसके बाद वाले सोमवार में करवाऊंगी या वो अगर उसमें नहीं हो पाएगा तो उसके बाद जब होना होगा तब होगा। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि इसके बाद वाले सोमवार में ही हो क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता ना यार, इनका ये भी आ जाए फिर उसके बाद जिनको अपन को बुलाना है पंडित जी सब लोग फ्री रहेंगे तभी तो पूजा हो पाएगी। तो अब ये मेरे पुए बन गए हैं, फिर उसके बाद मैं करूँगी दूसरी तैयारी, पूजा की थाली वगैरह लगाना है। तो फ्रेंड्स मैं ना हर सोमवार को बस मैं ये मिट्टी की शंकर जी की लिंग बना रही हूँ और मैं छोटे से शंकर जी बनाती हूँ क्योंकि बोलते हैं वैसे नॉर्मली जो पूजा करते हैं उनके छोटे शंकर जी से ही करनी चाहिए और जो बड़े शंकर जी बनाते हैं उनको हमें पंडित जी बुला के पूजा करनी चाहिए। तो हम तो छोटे ही सीधे सिंपल पूजा ही करते हैं घर में, तो बस मैंने छोटे से शंकर जी बना लिए हैं जो हर बार की तरह मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाए हुए हैं। और ये मेरे शंकर जी बन के तैयार हैं और फिर मैं इनको ना थोड़ा सा पानी फिंगर में लगा के इनको थोड़ा चिकना कर दूँगी जिससे ना थोड़ा ये अच्छे से एक से हो जाएंगे। और वैसे इनको ना पानी से या कई लोग इनको घी लगा के भी चिकना करते हैं बट उसके लिए क्या करते हैं, अब शंकर जी को थोड़ी देर रख देना चाहिए हमें जिससे थोड़ा वो सेट हो जाए ना, उसके बाद थोड़ा घी से हमें फिर उनको एक सा कर लेना चाहिए, साइन आ जाते हैं अच्छे लगते हैं। तो ये मेरे शंकर जी हो रहे हैं तैयार, हो ही गए हैं। और फिर ना इनको मैं थोड़े से चावल लगा के रख देती हूँ क्योंकि बोलते हैं ना कितने प्यारे बने, क्योंकि बोलते हैं बिना चावल के शंकर जी को नहीं रखना चाहिए। तो मैंने शंकर जी को चावल लगा के और फिर मैंने कहा चलो मंदिर में ही रख के आ जाती हूँ। तो ये मंदिर में मैंने पूजा की थाली और शंकर जी ये सारी तैयारी हो गई है, फूल माला दीपक सारी रख दिए हैं। अब मैं दीप को जलाती हूँ फिर उसके बाद करूँगी शंकर जी का अभिषेक। तो सबसे पहले मैं दूध दही घी और शक्कर से अभिषेक कर लेती हूँ पंचामृत से, फिर बस टीका वगैरह लगा के उनकी जो भी नॉर्मली पूजा होती है वो करूँगी, टीका लगा दूँगी। फिर उसके बाद इनको मैं काले तिल चढ़ाती हूँ, जनेऊ
जनेऊ, सिपाड़ी, फूल, ये सारी चीज़ें रखूँगी और इनको बहुत अच्छे से फूलों से सजा दूँगी। और फिर उसके बाद मैं ना इनको सजाने के बाद मैं ना कथा करती हूँ और सब। फिर इसके बाद इनको सजाने के बाद है ना, फिर मैं अगरबत्ती जलाऊँगी, अगरबत्ती से इनको थोड़ी सी सुगंध देती हूँ और फिर उसके बाद करूँगी कथा। और मैंने कहा अगरबत्ती जला रही हूँ तो फिर कथा करने से पहले मैं कोशिश करती हूँ, जैसे जब याद रहता है तो मैं मैक्सिमम टाइम होम की जो अग्नि होती है उसके जला के रख देती हूँ, जिससे ना वो अच्छे से थोड़ा जल जाती है। तो मैं कपूर डाल के इसमें जो आम की लकड़ी है ना उनको जलाने रख देती हूँ, क्योंकि जब तक मेरी कथा होगी ये थोड़ी जल जाएंगी तो अच्छे से हवन हो जाता है। फिर इसके बाद मैं अपनी कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। वासी नीलकंठ महादेव शिव जी महाराज की जय। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। व्रत को करता है और कथा को सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में से भी लोक को प्राप्त होता है। बोलो भगवान भोलेनाथ शंभुनाथ कैलाशवासी नीलकंठ महादेव शिव जी महाराज की जय। शंभुनाथ कैलाशवासी नीलकंठ। तो फ्रेंड्स, मेरी भगवान को प्रसाद भी लगा दिया है, अब मैं करूँगी हवन। तो ये मैं थोड़ा सा कपूर डाल के आग, मतलब वो आम की लकड़ी में आगे लगा प्रज्वलित कर लेती हूँ अग्नि। और फिर मैं उसके बाद होम करूँगी। होम मैं पहले घी से करती हूँ, फिर उसके बाद जो वो आता ना हवन का पैकेट उससे करती हूँ। और बस मैं तो सिंपल ही करती हूँ, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके स्वाहा करती जाती हूँ और अपने कुलदेवी कुलदेवता इनके सबके नाम ले लेके कर लेती हूँ। फिर मैं कर लेती हूँ भगवान जी की आरती और फिर मेरी पूजा हो गई है फ्रेंड्स। जय माता दी, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई है, मेरा 16 सोमवार हूँ आज। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा 16वां सोमवार है और इसके बाद वाले सोमवार में मैं आई होप भगवान जी की कृपा से मैं उद्यापन करवाऊँगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे मेरा चल रहा है कि मैं सोमवार को उद्यापन करवाऊँगी, तो अब देखते हैं ऊपर वाले की कृपा यार कैसा क्या होता है। वैसे चल रहा है कि मैं करवाऊँगी, हो सकता है महादेव की कृपा होगी तो इस सोमवार, मतलब 16 मेरे कंप्लीट हो गए हैं, 17वें सोमवार में मैं उद्यापन करवाऊँगी। तो फ्रेंड्स, बस मेरी पूजा पाठ हो गई है, अभी क्या शायद 4:30 या 5 बजने वाले हैं। तो बस अब मैं, क्योंकि अभी मंदिर में हूँ तो मुझे पता नहीं कितना बजा है फिक्स टाइम, तो बस अब मैं उठूँगी। अब फिर इसके बाद मैं सबको प्रसाद देके मैं फिर खुद ही प्रसाद खाऊँगी और ये प्रसाद जो पुआ का प्रसाद है ना ये खाती हूँ मैं, तो ये प्रसाद मैं लूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग भी विश मांग लीजिए भगवान जी से, भगवान जी आपकी हर मनोकामनाएँ पूरी करें, आप लोग स्वस्थ हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं अपना प्रसाद ले लेती हूँ और फिर आप लोगों से बाद में बात करती हूँ।